जिस तरीके से त्योहारों पर या फिर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला हो तब या फिर दिवाली पे आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हो, लेकिन झाड़ू पोछा जो होता है वो आप अपने घर में हर रोज करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से स्किन के लिए आप फेसियल करवाते हो, फेस पे ब्लीच करवाते हो या फिर घर पे ही कोई फेस पैक फेस मास्क बना के लगाते हो होममेड वाले, वो ऐसी चीजें हैं जिसे आप कभी कभी करते हो और कभी कभी ही करनी भी चाहिए। लेकिन एवरीडे स्किन केयर रूटीन एक ऐसी चीज है जिसे आपको हर रोज अपनी स्किन पे करना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने घर में हर रोज ही झाड़ू पोछा करते हो ताकि आपका घर साफ रहे, बिल्कुल क्लीन रहे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कुछ एवरीडे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होता है ताकि आपकी स्किन भी जो है वो क्लीन रहे, साफ रहे और आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स भी ना हो, साथ ही आपके चेहरे पे एक ग्लो भी आए, चमक आए और आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे। इसीलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे स्किन केयर रूटीन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो या फिर आपकी अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, तब भी आप आज मैं आपके साथ जो एवरीडे स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ इसे कर सकते हो, आपको सूटेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। मतलब कि ये एवरीडे स्किन केयर रूटीन ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, प्लस कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके नोज के एरिया पे, चिन के एरिया पे स्टिकीनेस आ जाती है, ऑयलीनेस आ जाती है और साथ ही उनके चिक्स के एरिया पे, उनके गालों पे ड्राइनेस रहती है, रूखी सूखी सी उनकी स्किन रहती है। इस टाइप की स्किन को कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, तो उनको भी ये वाला एवरीडे स्किन केयर रूटीन बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं ऑल स्किन टाइप के लिए एवरीडे स्किन केयर रूटीन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ताकि ऐसे ही जो भी स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे ही वीडियोस आप तक पहुँच पाए और वो सारे ही स्किन केयर वीडियोस देखकर उसका फायदा उठाकर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओ। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप ऐसे वीडियोस देख पाओगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स जब भी आप कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो और कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हो तब आपको उसे उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपने चेहरे पे लगाना चाहिए, यानी कि जो सबसे पतली चीज है उसे आपको अपने चेहरे पे पहले लगाना है, जो गाढ़ी चीज है, जो मोटी चीज है उसे आपको बाद में लगाना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी एवरीडे स्किन केयर करनी है, जिसमें सबसे पहले आती है क्लींजिंग, अच्छे से आपको अपनी स्किन की क्लींजिंग करनी होती है। दूसरी चीज आती है टोनिंग, अच्छे से आपको आपकी स्किन को टोन करना होता है। और तीसरी चीज आती है मॉइस्चराइजिंग, ताकि आपकी स्किन की नमी बनी रहे, आपकी स्किन पे चमक बनी रहे। मतलब कि आपको एवरीडे स्किन केयर रूटीन में CTM रूटीन को फॉलो करना होता है, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। लेकिन मार्केट में जो केमिकल वाले क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर मिलते हैं वो सभी को सूटेबल नहीं होते हैं, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ CTM रूटीन को फॉलो करने का नेचुरल तरीका शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स CTM रूटीन की सबसे पहली चीज क्लींजिंग को करने का नेचुरल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो क्लींजिंग के लिए आपको कोई भी केमिकल वाले फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एक होममेड क्लींजर रेडी करना है, होममेड फेस वॉश रेडी करना है। और ये जो फेस वॉश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करेगी। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो आप आराम से ये वाला होममेड फेस वॉश यूज कर सकते हो अपनी स्किन की क्लींजिंग करने के लिए। जिसके लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है 2 चम्मच जितना बेसन। बेसन एक बढ़िया नेचुरल क्लींजर होता है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। बेसन का इस्तेमाल राजा रानियों के टाइम से, बहुत ही पुराने टाइम से होता है। राजा रानियों के टाइम पे फेस वॉश साबुन नहीं थे, वो लोग अपनी स्किन को साफ करने के लिए बेसन का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही बढ़िया से क्लीन करता है।
साथ ही ये आपकी स्किन टाइटनिंग में भी मदद करता है, आपकी स्किन में कसाव लाता है, आपकी रंगत को निखारता है, मतलब कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं तो उसको भी हटाता है, पिंपल्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो 2 चम्मच जितना बेसन ले लीजिए, इसके अंदर आपको 2 चम्मच जितना राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा लेना है। राइस फ्लोर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है, एक नेचुरल स्क्रब की तरह आपकी स्किन पे काम करता है। ये आपकी स्किन पे जितनी भी रफ स्किन की लेयर होती है, जितनी भी टैनिंग की कालेपन की लेयर होती है, उसको हटा देता है। अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी बहुत ही इजीली रिमूव करता है। तो 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, इसके अंदर आपको 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर मिला लेना है। मिल्क पाउडर आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा मुलायम बनेगी और आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा। बस ये 3 ही चीजें आपको 2-2 चम्मच ले लेनी है और इन सारी चीजों को अच्छे से आपस में मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर एक खाली बॉटल के अंदर भर कर अपने बाथरूम में रख लीजिए। और फिर इस होममेड फेस वॉश को जब भी आप अपना चेहरा धोते हो उस वक्त इस्तेमाल कीजिए। दिन में कम से कम 2 बार आपको इस होममेड फेस वॉश से अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि आपकी स्किन प्रॉपरली डीपली क्लीन रहे और आपके चेहरे पे ग्लो भी बना रहे। प्लस ये जो होममेड फेस वॉश की रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है जो आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल आने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। साथ ही मिल्क पाउडर ऐड किया है जो अगर आपकी स्किन ड्राई है, रुखी सुखी सी रहती है, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, मुलायम बनाएगा, मतलब के सारे ऐसे कॉम्बिनेशन रखे है जो ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करेगा। तो एवरीडे स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप तो हो गया जो के है क्लींजिंग। अब जो दूसरी चीज आपको डेली ही अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है वो है टोनर। टोनर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है स्किन केयर के लिए। टोनर जो होता है ये आपके स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं जिनमें पॉल्यूशन, डस्ट, एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, तो उस टाइप की कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको न हो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके स्किन पे जितने ओपन पोर्स है, लार्ज पोर्स है, उसको मिनिमाइज करा जाए, उनकी साइज को छोटा किया जाए, जो काम करेगा टोनर। टोनर रेडीमेड वाले मिलते हैं, वो केमिकल वाले होते हैं। इसके बजाय आपको नेचुरल टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप टोनर का इस्तेमाल हर रोज करने वाले हो, जिसमें सबसे बढ़िया जो टोनर है जो ऑल स्किन टाइप वालों को सूट कर जो के है रोज वाटर। रोज वाटर मार्केट में से आप रेडीमेड खरीदो उसकी जगह पर अगर आप होममेड वाला यूज करोगे तो आपके स्किन के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रोज वाटर घर पे रेडी करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको बस 2 कप पानी ले लेना है, उसको बॉईल कर लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके अंदर आपको गुलाब की पंखुड़िया यानी कि जो रोज पेटल्स होते हैं वो डाल देने हैं। 15-20 रोज पेटल्स आप इसके अंदर डाल दीजिए। 3 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए रोज पेटल के साथ पानी को। 3 मिनट तक जब ये बॉईल हो जाए उसके बाद इसे आप गैस पर से उतार लीजिए, नीचे अच्छे से इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। जब ये पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपका रोज वाटर बनके रेडी हो जाएगा। रोज पेटल्स को छानकर अलग कर लीजिए और जो रोज वाटर रेडी हुआ है, जो पानी रेडी हुआ है, इसे आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल के या फिर हो सके तो कोई स्प्रे बॉटल के अंदर भरकर स्टोर कीजिए। इसे आराम से आप फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसे ठंडा ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट आए, एक फ्रेशनेस आपकी स्किन को मिले। इसे आप लॉन्ग टाइम तक आराम से स्टोर भी कर सकते हो। अब इसे आपको अपने एवरीडे स्किन केयर रूटीन में हर रोज यूज करना है, हर रोज ही रोज वाटर को आपको अपने चेहरे पे स्प्रे करना है। तो क्लींजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, अब आपको मॉइस्चराइजिंग वाला स्टेप करना है जो कि है एवरीडे स्किन केयर रूटीन का 3rd स्टेप। इसमें आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, नरिशमेंट देना है ताकि आपके स्किन पे ग्लो बना रहे, आपकी स्किन में नमी बनी रहे। तो एज अ मॉइस्चराइजर आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल आपको रेडीमेड वाला ही इस्तेमाल करना है क्योंकि आप हर रोज इस्तेमाल करने वाले हो, इसीलिए प्लांट वाला एलोवेरा जेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो एलोवेरा जेल आप अपनी स्किन पे लगा लीजिए, इसके 3 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर
रात भर के लिए इसे अपने चेहरे पे रहने दीजिए। दिन में भी एलोवेरा जेल को आप अप्लाई कर सकते हो। दिन में अगर आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करोगे तो ये एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा और एज अ सनस्क्रीन भी काम करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल सनस्क्रीन भी होता है जो धूप के डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली है तो बस ओनली प्लेन एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, रूखी सूखी सी रहती है, बहुत ही ज्यादा डलनेस रहती है, तो आप एलोवेरा जेल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जितना नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर विटामिन ई की जो ग्रीन वाली कैप्सूल आती है उसका ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर ड्राई स्किन है तो। नॉर्मल और ऑयली स्किन है तो बस ओनली ओरिजिनल जो एलोवेरा जेल आता है वो ही आपको अप्लाई कर लेना है एज अ मॉइस्चराइजर। प्लस ये ऑल स्किन टाइप वालों को सूट भी करता है। सो बस एवरीडे स्किन केयर रूटीन में आपको यही 3 चीजें करनी है। सबसे पहले होममेड फेस वॉश से अपनी स्किन की अच्छे से क्लींसिंग करनी है हर रोज। उसके बाद आपको चिल्ड ठंडा वाला रोज वाटर स्प्रे अपने चेहरे पे करना है। उसके बाद आपको अपनी स्किन की टोनिंग करनी है जिसमें आप रोज वाटर को ठंडा ही अपने चेहरे पे स्प्रे करोगे। उसके बाद डेली आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है जिसमें आप एलोवेरा जेल अप्लाई करोगे। तो बस ये हो गया आपका CTM रूटीन नेचुरल वाला जो ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करेगा। तो जरूर से इसे एवरीडे रूटीन में ऐड कीजिए और रोज ही इस रूटीन को फॉलो कीजिए ताकि आपकी स्किन परमानेंटली हेल्दी बने, परमानेंटली ग्लोइंग बने। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए, तभी आप ऐसे स्किन केयर वीडियोस देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय। सी यू सून।